subscribe Quick News, press the bell icon and never miss an update. आज देश का किसान और खेत मजदूर कृषि विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती मना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट जाकर बापू और विजय घाट जाकर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी देश के दो महान विभूतियों को उनकी जयंती पर नमन करते हुए कहा, मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों व किसान मजदूर भाइयों और बहनों, आज किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों के सबसे बड़े हमदर्द महात्मा गांधी जी की जयंती है। सोनिया गांधी ने कहा, आज देश का किसान और खेती करने वाले मजदूर कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों, किसान मजदूर भाइयों और बहन, आज किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों के सबसे बड़ा हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसती है। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है, लेकिन आज देश का किसान और खेत मजदूर कृषि विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने सरकार से मांग की थी कि हर ज़रूरतमंद देशवासी को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए।